बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से सब ठीक ठाक होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब तो हज़ारों की तादाद स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज़ाना मुझे व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर BA BSc के पेपर्स बिल्कुल करीब आ गए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, सरगोधा यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के और उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं, तो हमें गेस्ट पेपर चाहिए इंग्लिश का। तो यार, मैंने आपसे पहले वादा किया था कि आपको श्योर शॉर्ट गेस्ट दूंगा, सो आप परेशान ना हुआ करें और बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हुआ करें। और मैं आपको आज जो गेस्ट पेपर दूंगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पूरा भरोसा है कि अल्लाह की ज़ात इस गेस्ट पेपर पर पूरा करम करेगी और ये 100% गेस्ट होगा। ठीक है, कितना 100%। लेकिन एक चीज़, एक ठहर जाओ, मेरी एक बात सुन के जाओ यार माशाल्लाह मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं मेच्योर भी हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आता यार, आपकी वॉच टाइम जो है वो 1 मिनट का, 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का। तो यार वीडियो पूरी देखा करो, डेफिनेटली आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप बैठे रहोगे, आप वीडियो को स्किप कर जाओगे, तो फिर नाम ऐसे ही किया करो। कम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है यार, वो लोग तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी दिखा करें। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो आज का गेस्ट पेपर बिला ताखीर पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी के लिए ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं गेस्ट पेपर तैयार किया है। बिल्कुल शॉर्ट सा गेस्ट है यार, मैं आपको वर्बली बताता हूँ क्या याद करेंगे, कंप्यूटर पे भी नहीं बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट जवाब बताता हूँ। आपके दो पोर्शंस हैं इंग्लिश के पेपर के, 100 मार्क्स का पेपर है, पहला प्रोज का है और दूसरा कंपोजिशन का है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो पहला हिस्सा जो इंग्लिश ए का है, उसमें मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे तैयार कर देना। पास ना हुए तो यार लोग तो कहते हैं मुझे MBA वापस ले दो, मैं कहता हूँ मुझे पूरी फीस वापस ले देना, पर शर्त सिर्फ यही है कि तैयार कर देना, अच्छे तरीके से तैयार कर देना। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, प्रोज के अंदर आपने डैम्ड ह्यूमर रेस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरे नंबर पे डैम्ड ह्यूमर रेस तो पता है ना आपको, हाँ जी बिल्कुल, डैम्ड ह्यूमर रेस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपने जनाब राइट एंड रॉन्ग को तैयार करना है, राइट एंड रॉन्ग ये शॉर्ट ऐसे है आपका, उसको तैयार कीजिएगा। तीसरे नंबर पे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स को, सीक्वेंस को नहीं सेम रखना सर, ये पहली कहानी थी, ये दूसरी है, ये चौथी, ये पांचवी, नहीं, आपने क्या करना है, डैम्ड ह्यूमर रेस, उसके बाद जनाब आपका राइट एंड रॉन्ग बताया मैंने आपको, उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया है जनाब ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, दी ओपन विंडो HH मुंडरो का लिखा हुआ बड़ा ज़बरदस्त सा शॉर्ट ऐसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दी ओपन विंडो, इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद जनाब आपने कोशिश करनी है कि एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट ऐसे है, नाम है उसका द लास्ट लेसन, इसको तैयार कीजिएगा। और यार TV एडिक्शन तो भाई मेरे आप फिंगर टिप्स पे है, TV एडिक्शन ज़रूर याद करना है। तो ये 5 शॉर्ट ऐसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 शॉर्ट ऐसे, और मुझसे लिखवा लें कि इंशाल्लाह पेपर आपका चाहे फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो या आपकी सरगोधा यूनिवर्सिटी हो, टेंशन नहीं लेनी, इन्हीं 5 शॉर्ट ऐसे जो इस पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब चलते हैं आपके इंग्लिश बी के पोर्शन की तरफ। तो भाई मेरे इंग्लिश बी का पोर्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें ऐसे राइटिंग्स हैं, ऐसे मैंने कई मरतबा बताए हैं, बल्कि इसके लिए अलग से वीडियो भी बना के मैं इसके लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक जो ऐसेस के हवाले से है। लेकिन अभी जो मैं आपको 2 या 3 ऐसेस बताने जा रहा हूँ, इनको ख़ास तौर पर तैयार कीजिएगा। पहला शॉर्ट ऐसे आपने तैयार करना है, सॉरी ऐसे राइटिंग आपने तैयार करना है, कौन सा, सोलर एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त है, सोलर एनर्जी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। दूसरा आपने जो ऐसे तैयार करना है वो मल्टीपल ऐसे है, इस पर मुझे बच्चे कहते हैं कि सर जी मल्टीपल ऐसे पे एक अलग से जो है वो वीडियो बना दे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ within 1 day जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मल्टीपल ऐसे के ऊपर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो मल्टीपल ऐसे जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला, ये ज़रूर याद कीजिएगा, और मेरे नोट्स की टू सक्सेस के अंदर ये मौजूद है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चे नोट्स बाय आउट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बाय आउट किया तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, within 5 मिनट्स आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दूंगा, ओनली 600 रुपीज़। तो उसके अंदर आपका मल्टीपल ऐसे
पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर भी और नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर, जैसे सोशल रिवर्स कहते हैं उसको, तैयार कीजिएगा। और एक और ज़बरदस्त है शॉर्ट ऐसे आपने तैयार करना है, उस ऐसे का नाम है जनाब प्लांटेशन, शजरकारी जिसे कहते हैं। तो जाओ यार क्या याद करोगे, तीन ही ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह इसी में से ही आपके पेपर्स में एक ऐसे आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, तो भाई देयर इज़ नो गैस फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कोई गैस नहीं है, प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस सिलसिले में कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से भी मेरा अलग से लेक्चर मौजूद है, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि बेटा कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू कैन ईजीली अटेम्प्ट। थोड़ा सा गौर करें भाई, ये पहला और आखिरी सवाल है, आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा सवाल पेपर में कोई नहीं आया जिसका जवाब आपके सामने मौजूद है। बस थोड़ी सी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के बाद चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो इसके मैं चार टॉपिक आपको दे रहा हूँ, चार टॉपिक। एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ जनाब आपको, आपने रिपोर्ट तैयार करनी है संडे बाजार के हवाले से, बहुत ज़बरदस्त है। ईद बाजार कर ले, रमज़ान बाजार कर ले, संडे बाजार कर ले, बाद एक ही है, ये तैयार करनी है जनाब। दूसरे नंबर पर अच्छा, इसमें मैं फ्रूट मंडी भी आप लगा सकती हैं, फ्रूट मार्केट जिसे कहते हैं, वेजिटेबल मार्केट, एक ही एक मार्केट का जिक्र आ गया, बाजार आ गया, एक ही बात है। दूसरे नंबर पर आपने जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो आजकल एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चला हुआ है, वो है जनाब द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल आफ्टर कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसके हवाले से आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। एक और रिपोर्ट बड़ी फेमस रिपोर्ट है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, रिपोर्ट अबाउट कॉलेज कैंटीन, आपकी कॉलेज कैंटीन के हवाले से एक रिपोर्ट। और एक आखिरी रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप सो कि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, या जिन बच्चों ने नोट्स बाय आउट किया सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, आपने कोशिश करनी है। अब विजिट हुआ बस स्टैंड, लारी अड्डे गए हैं आप, वहाँ के आपने हालात देखे हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट दिया। फिर सादा सादा बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटा आपने पास होना है, देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल, यू कैन गेट थ्रू। 33% पास चाहिए आपको पास होने के लिए, मेरे पास अगर कितने सैकड़ों बच्चों ने राधा करें, आखिरी चांस है, आखिरी चांस है, तो हो आखिरी चांस, यू शुड थिंक दैट योर लास्ट चांस इज द फर्स्ट चांस एंड यू कैन अवेल दैट चांस। इफ यू आर हैविंग द फर्स्ट चांस, यू मस्ट थिंक दैट दिस इज द लास्ट चांस, देन यू कैन ईजिली गेट थ्रू। सोचे नहीं दिन कितने रह गए हैं, सोच रहे तो घंटे सोचें, आपके पास अभी काफ़ी आर्स पड़े हैं और आप आसानी से तैयारी कर सकती हैं। बीएससी इंग्लिश के बारे में कहता हूँ कि सिर्फ 10 घंटे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो आप पास हो सकते हैं। हमारा क्रैश प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप एक दिन पहले मुझे कॉन्टैक्ट कर लें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% मैं आपको तैयारी करवाऊँगा फॉर द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, 100%। एक दिन पहले भी तैयारी रब्ता कर लेते हैं। सो ये बात ध्यान रखें कि पास होना मुश्किल नहीं है, अच्छे मार्क्स देना मुश्किल है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन या डायलॉग के बारे में बात करूं तो ट्रांसलेशन बेटा प्रैक्टिस है, 9-10 से आप कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में एक चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कान खोल कर सुननी है, वीडियो स्किप ना कर जाना, भाग ना जाना। ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि बेटा ट्रांसलेशन करने के लिए यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ द सेंटेंस। अल्फाज की सेंस के मुताबिक आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, अल्फाज के मुताबिक नहीं करनी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, यानी ये नहीं कहना कि सदर बाजार में गोलियां चल रही हैं तो द बुलेट्स आर वॉकिंग इन द सदर बाजार, बल्कि आपने कहना है देयर इज फायरिंग इन द सदर बाजार। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। डायलॉग के लिए इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डायलॉग के लिए वैसे ट्रैफिक वार्डन और ड्राइवर के दरमियान डायलॉग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आप एक पेशेंट और एक डॉक्टर के दरमियान डायलॉग उसको तैयार कर लीजिएगा, एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान डायलॉग उसको तैयार कर लीजिएगा, और दो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल कि पेपर बीएससी इंग्लिश का कैसा हुआ है, इसके ऊपर एक डायलॉग तैयार कर लीजिएगा। जनाब बहुत ज़बरदस्त सा गेस्ट है, आई होप सो कि आपने इसको राइट डाउन भी कर लिया होगा, ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की स्टडीज़ के हवाले से प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम आपकी खिदमत करना है और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा।